ऊपर भी है, जिनमें ऊर्जा है, जो तेजस्वी है, जिनमें ऊर्जा है, जिनमें कुछ करने की चाह है। जैसे युवा के बारे में कुछ कहते हैं कि उन युवा जो होता है उनमें चार चीजें होती है तो वो युवा होता है। पहले वो कि उनके मुंह में मिठास होनी चाहिए, उनके सर पर बर्फ होनी चाहिए यानी वो ठंडे होने चाहिए, उनके दिल में आग होनी चाहिए कुछ करने की और कुछ चाह की, और उनके पैर में चक्कर होने चाहिए यानी वो निरंतर चलते रहे। तो ऐसे एक युवा को होना चाहिए। आपका क्या नाम है? आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। बहुत बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन करा है कि क्या है युवा क्या है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। यूथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एज इज जस्ट अ नंबर। हम क्या फील करते हैं, कंटिन्यूस क्रिएटिविटी, कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूसली अगर हमारे अंदर वो जील है, वो पैशन है। मेरे नाना जी अब नहीं रहे, लेकिन एट द एज ऑफ 80 ऑल्सो उनको ये लगा कि मुझे सीखना चाहिए, ज्योतिषी पढ़ना चाहिए। उन्होंने उस एज में भी पढ़ा और उन्होंने मतलब वो अपने बताते थे कि अब ये होने वाला है ऐसे व्हाटएवर, लेकिन आपका इंटरेस्ट पॉइंट इज कि एज कुछ भी हो लेकिन आपको हमेशा अपनी जो ग्लास है, लर्निंग की जो ग्लास है, वो आधी ही भरी रखनी चाहिए। आधी हमेशा खाली रखिए ताकि आप जितना चाहें उसको, या तो आप उसकी लेंथ बढ़ाते रहिए ग्लास की कि हमारी ग्लास लंबी होती जाए, और या फिर उसको हमेशा आधी भरी रखिए। अनलर्निंग एंड लर्निंग इज द बिगेस्ट, जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम अनलर्न करें। आज अगर हम किसी भी बैकग्राउंड से हैं, हमने कुछ भी पढ़ाई करी है, आज जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जब जॉब में जाते हैं, जब मैं MBA कर आई थी और मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर सकते हो और आपने क्या, तो मैंने अपना सारा MBA ज्ञान उनको अपने इम्प्रेस करने के लिए, जितना भी MBA ज्ञान दो सालों में, पाँच साल मेरे लिए, तो मैं पाँच साल बोलूँगी BBA और MBA, वो पूरा ज्ञान अपने उस इंटरव्यू में डाल दिया। उन्होंने कहा तो फिर आपको सब आता है तो आपको कहाँ जॉब की ज़रूरत है, आप तो ऑलरेडी इतना बड़ा और इम्पॉर्टेंट, उन्होंने बताया। हम कहीं भी जाते हैं लाइफ की किसी भी फेज में, किसी भी स्टेज में जाते हैं, जब तक हम सीख रहे हैं हम ग्रो करेंगे। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उस दिन हमारी उल्टी गिनती है। और हर इंसान छोटा हो या बड़ा, मेरा 7 साल का बेटा है वो भी मुझे हर दिन कुछ सिखाएगा, और कोई 80 ईयर्स का इंसान भी हर दिन सिखाएगा, लेकिन आप क्या सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो आपके ऊपर है। सो एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ माइंड है कि हम अंदर से एक कंटिन्यूस क्रिएटिविटी लाना चाहें हमारे अंदर, एक इनोवेशन की सोच रखें। हम ये नहीं सोचें कि नहीं भैया मैंने सोच लिया कि यहाँ पर सिर्फ ब्राउन चेयर्स लगेंगी तो यही होनी चाहिए, नहीं क्या पता यहाँ पे कोई और रंग भी बहुत सुंदर लगे। आपको एक कंटिन्यूस ओपननेस होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से यूथ वो है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यूथ वो है। और तो आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा कि बहुत अच्छे से आपने बात बोली। एक चीज़ और है यूथ में कि वन शुड नेवर फियर टू आस्क। कोई भी छोटा नहीं होता पूछने में, इनफैक्ट अगर हम पूछते, जरूरी नहीं है कि आज आप क्वेश्चन आंसर राउंड है, और जब मुझे इन्होंने बोला कि आपको आना है और सब क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, मैंने कहा मैं अगर कहीं आंसर में अटक गई तो, लेकिन अगर मैं, मुझे कुछ टॉपिक का नॉलेज नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर चीज़ आनी चाहिए। हो सकता है आज आप लोग मुझे कुछ बहुत अच्छा सिखा दें जो मैंने कभी उसके बारे में नहीं जाना। तो कंटिन्यूसली पूछिए, पूछने से कोई भी कभी भी छोटा नहीं होता है। जितना हम पूछेंगे उतना हम सीखेंगे, और जितना हम सीखेंगे उतना हम लाइफ में ग्रो करेंगे। तो ये सब बिंदुओं को आप मैच करिए और आगे बढ़िए। और मुझे पता है ये जो यहाँ का युवा पीढ़ी है, ये आगे बहुत, हम अलग अलग क्षेत्र में और जिस भी, जहाँ भी जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप लोग आगे जाकर बहुत ही अच्छा करेंगे। मैंने कहा ना मुझे देखना पड़ेगा, मैं बहुत सारा लंबा लिख कर लाई थी और मैं क्लियरली उस हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, तो फ्लो में डेफिनेटली, लेकिन आई डोंट वांट टू मिस आउट एनी इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे। क्या होती है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच? मुझे आप पसंद नहीं आए, मेरा आपसे झगड़ा हो गया और मैंने बोल दिया, तो ये मेरी राइट टू स्पीच है, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच?
कौन मुझे बताएगा कि क्या है आपके हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच? इधर से कोई भी नहीं, इधर बार बार बहुत जने। हेलो मैम, मेरा नाम बिट्टू वर्मा है और मैं बीए जर्नलिज्म सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जैसे कि अगर इनको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बोलने की स्वतंत्रता हमारे पास सबको है बोलने का अधिकार, लेकिन हम उस दिशा में बोले जो गलत है, हम उसके खिलाफ बोले। बोलने की स्वतंत्रता का सही मायने में अर्थ यही है कि जितने भी हमारे समाज में अराजकताएं हैं, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं। जितनी भी दुर्व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं, उनको समाधान करने के बारे में हम कदम बढ़ाएं। थैंक यू। और कहां से शुरू होती है बोलने की स्वतंत्रता? जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपने बोला कि समाज में हमें कुछ भी गलत है, कोई भी बुराई है, तो ये हमारा हक है, हम लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टार्ट होती है हमारी फैमिली से, हमारे परिवार से। yes, होती है। yes, कि हमारे परिवार में अगर कोई गलत कर रहा है, हमारे पेरेंट्स ने भी अगर कोई चीज गलत कही हो। अच्छा, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, पहले आप बताइए। No, ma'am. You just ask about thoughts. If you are saying something and if I don't agree with it, then I have a right to say without any legal penalty taken about me. Like, it's not about harm. Like, I can express whatever I think and whatever my thoughts are. Bilkul, bilkul. And that is what freedom of speech is. Exactly. Ma'am. Yeah.